तुम लोग को रिस्पॉन्स क्यों नहीं देते हो? कोई कुछ कहता है कुछ नहीं आगे, तुम लोग कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं देते हो ऑनलाइन वाले? क्या उस दिन हम बता रहे थे AWS? AWS ने क्रिएट तो हो गया ना, अकाउंट तो आपका बन ही गया, अकाउंट क्लियर क्रिएट हो गया, आप करेंगे साइन अप। ऑनलाइन देखो यार, ऑनलाइन टेक्निकल चीज कुछ देखो, ऑनलाइन तुम तब चीजें सीख सकते हो जब कुछ आता है तब कुछ सीख सकते हो, स्क्रैच लेवल से जब सीखना होगा तो थोड़ा सा पेड वाला ज्यादा अच्छा होगा। फ्री में आप बेसिक सीख सकते हो, जैसे अभी हम आपको, हाँ जैसे एक मिनट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्या हो कितना मांग रहा था इसका? तो क्या है बोलो तो, कैप्चा क्या है? बी है ना, बी है कि एच है? पक्का देखो बोलो, ये तो मुझे भी दिख रहा है 587 PC, ठीक है। हो गया। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अब देखिए, अब तो ध्यान दीजिएगा, AWS यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लासेस जो चल रही है इसमें हम क्या है बोलो, NF, देखो जहां भी ट्रांजेक्शन वाला काम हुआ है अलर्ट मोड में आ जाता है, जस आगे पीछे हुए साइट लॉग आउट कर गया, देखे कि नहीं? यही जहां भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है वहां साइट को यूज करना है थोड़ा सा, हेलो गुड मॉर्निंग, ठीक है, कोई बच्चा बोला नहीं, मैं देख रहा हूँ, एक मिनट, कोई वेटिंग में रहे तो बता देना। सर मीटिंग में हम हैं, चार बच्चा मीटिंग में है, बता देना तुम लोग, हम इधर ध्यान में चला हट जाता है पढ़ाई इसी में है। जल्दी बोलो, 5C4TDX, ओ गॉड भगवान, 2PSDRM, सॉफ्ट डॉलर है नो,
और सॉफ्टवेयर में एक चीज बहुत ध्यान के देने की चीज है, कुछ भी पेशेंस बहुत जबरदस्त मांग रखता है। नहीं जैसे कोई चीज है बार बार साइन आउट हो जाए, लॉग आउट हो जाए, नॉन टेक्निकल बंदा उब जाएगा एक बार में, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। लेकिन अमेजन, क्या नाम है अमेजन, नहीं एप्लीकेशन का नाम अमेजन कंसोल, नहीं कंसोल पहले खुल गया मिल नहीं रहा है। अमेजन कंसोल, तुम लोग भी भूल गए, अगर हम भूले तो तुम लोग भी भूल के बैठ गए। उस एप्लीकेशन का नाम, उस सॉफ्टवेयर का नाम है डब्ल्यू एस का, अमेजन नहीं आ रहा है, अमेजन कंसोल AWS मैनेजमेंट कंसोल, आप लोग को इन लोग को शेयर कर दूं स्क्रीन, हाँ AWS मैनेजमेंट कंसोल में हम गए। यहाँ पे आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप सारे बच्चों को स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। ठीक है, जैसे AWS मैनेजमेंट कंसोल में हम गए, जब इस स्क्रीन पे गए, दीपक कुमार, तो AWS मैनेजमेंट कंसोल क्या है? AWS मैनेजमेंट कंसोल इज ए प्लेटफॉर्म, AWS मैनेजमेंट कंसोल इज ए क्लाउडेड प्लेटफॉर्म विच इज प्रोवाइडेड बाय अमेजन वेब सर्विसेज। हमको ये प्लेटफॉर्म किसने प्रोवाइड करवाया? अमेजन वेब सर्विसेज। कैसे काम करता है, कल आप लोगों ने देखा होगा अकाउंट कैसे हम डेवलप करते हैं, तो देख लिया आप लोगों ने। अब से हम जानते हैं, देखते हैं सर्विसेज पे आप चलिए। सर्विसेज में क्या क्या दिख रहा है आपको? ये सर्विसेज हमें ऑनलाइन मिलती है, ये देख लीजिए। जिस हमने अकाउंट को नॉर्मल एक्टिवेट करवाया था, ना बिजनेस अकाउंट है ना डेवलपर अकाउंट है, किया था ना? आप जब बिजनेस अकाउंट में जाओगे तो सर्विसेज दिखेगी। नॉर्मल अकाउंट में जैसा जैसा आप जितना पैसा लगाओगे उस तरह से अकाउंट फैसिलिटी आपको मिलेगी। इसमें आप लोग देखिए क्या क्या है। कंप्यूट सर्विसेज में, कंप्यूट में आप आ जाइए, कंप्यूट में EC2 है, इस सब पे आएंगे। वन लाइट सेल है, लैम्डा है, बैच है, इलास्टिक बैग स्टॉक है, बहुत सी का नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा। कौन चीज कंप्यूट करने के काम आता है? कंप्यूट मतलब कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन मतलब अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, लॉजिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल, साइंटिफिक, साइंटिफिक और वेरिएबल कैलकुलेशन, स्ट्रिंग कैलकुलेशन, जो भी हम चाहते हैं ऑन क्लाउड। कहाँ पे चाहते हैं? क्लाउड पे, ऑनलाइन ऑन डिमांड पे जो चाहते हैं वो चीजें हमें ये क्लाउड पे अवेलेबल करवा देगा। जैसे EC2 आइए देखिए, चीजें देखिए, तुम चीजें ये कहाँ होता है? यू आर यूजिंग द फॉलोइंग अमेजन EC2 रीजन रिसोर्सेज इन द US ईस्ट ओहियो रीजन। US में एक जगह है ओहियो, वहां पे ये रिसोर्स हम लोग का क्लाउड में रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है ये? ओहियो में। इंडिया में ये रिसोर्स नहीं रखा हुआ है। फिर मैंने आपको पहले पढ़ाया होगा जो क्लाउड काम करता है डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में करता है, बताया कि नहीं बताए? हाँ या नहीं, फिर पूछो, फिर बता देंगे।
क्लाउड वर्क इन नो सर ठीक है क्लाउड वर्क इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट किस एनवायरनमेंट में करता है क्लाउड डज नॉट वर्क इन ए सेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट आप लोग पढ़े होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े हो कि नहीं तो ये पढ़े हो सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या अंतर है फिर आगे बढ़ेंगे हम आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों के लिए क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्लाउड वर्क इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इस चीज को कान खोल के आप लोग सुन लेना ऐसा मत कहीं बोल देना कि क्लाउड वर्क इन ए सेंट्रलाइज्ड सिस्टम क्लाउड वर्क इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम अब आप लोग बताइए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन आप लोग को भविष्य में बताइए आप लोग वेरी गुड और कोई बेगूसराय और कोई तो सेंट्रलाइज मतलब पर्टिकुलर स्थान से पर्टिकुलर जगह पर रहता है विशाल कुमार विशाल कुमार ने रेज हैंड किया है हाँ विशाल बताओ बेटा सर ऐसा सिस्टम जिसमें सारा का सारा वर्क एक ही कंप्यूटर पे होता है उसको सेंट्रलाइज्ड सिस्टम कहेंगे और अगर वर्क डिफरेंट कंप्यूटर्स या नोट्स पर होंगे तो उसको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बोलेंगे ठीक है बहुत अच्छा बताया मैं अब मैं बताता हूँ सेंट्रली सिस्टम मतलब कि ऑल थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय ए पार्टिकुलर सिस्टम और पार्टिकुलर लोकेशन एक ही जगह पे सिस्टम है मान लीजिए यही एक ये रूम सिस्टम है सर्वर रूम दिस इज ए सेंट्रल सिस्टम यहीं से सारा डेटा जितने भी सिस्टम जुड़े हुए हैं सारा डेटा यहीं से पॉपुलेट होगा सब कुछ एक ही जगह से होगा सारा वर्क एक लोकेशन और एक सिस्टम से होगा दैट इज कॉल्ड सेंट्रल अब बात आई डिस्ट्रीब्यूटेड की डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब कि सोर्स रिसोर्सेज सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हार्डवेयर रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज हु इज डूइंग दिस बैड एक्टिविटी हाँ सर आवाज नहीं आ रही है अरे आवाज घर घर आ रही है कौन कर रहा है इसे सर मोबाइल फोन हटा दिए सर वहां से हैं मोहम्मद सादी राजा कर रहे हैं क्या नो सर बोल रहे हैं कि सर मोबाइल फोन वहां से हटा दीजिए सर उससे वैसे हो रहा है हटा दिए यस सर नहीं हो रहा है अब सही है तो सेंट्रलाइज का मतलब हुआ कि सारे रिसोर्सेज एक लोकेशन पे हैं और वी हैव टू यूज दैट सेंट्रल लोकेशन दैट सेंट्रल रिपोजिटरी दैट सेंट्रल डिवाइसेज टू डू एनी वर्क दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज सिस्टम अब आई बात डिस्ट्रीब्यूटेड की डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स रिसोर्सेज आर ऑन डिफरेंट लोकेशंस रिसोर्सेज आर ऑन डिफरेंट लोकेशंस एंड वी कैन शेयर द रिसोर्सेज आइदर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ह्यूमन बींग एनी रिसोर्सेज थ्रू द डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर थ्रू द डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर जैसे अब मैं क्लाउड की बात करता हूं एक रिसोर्स है स्टोरेज स्टोरेज है स्टोरेज अमेरिका में है AWS कंपनी का रखा हुआ तो न्यू जर्सी में भी रखा हुआ है 10,000 GB का न्यूयॉर्क में भी रखा हुआ है 20,000 GB का वाशिंगटन में भी 20,000 GB का ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 20,000 GB का इंडिया के किसी बेंगलुरु में 1,00,000 GB का तो ये क्या हुआ दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट और मैं क्लाइंट हूँ इंडिया में क्लाइंट हूँ मैं हैदराबाद में बैठा हूँ मेरा काम हैदराबाद में हो रहा है और मुझे इमीडिएट
इमीडिएट चाहिए स्टोरेज, बट बैंगलोर सेंटर इज फुल, वहां का स्टोरेज फुल है, उसके पास स्टोरेज खाली नहीं है। उसे तत्व किसे संपर्क किया, सिडनी यूएसए, कि भाई आप प्रोवाइड कराओ, मेरे पास अभी स्पेस नहीं है। हो जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर सेंट्रलाइज्ड होता कि हैदराबाद सेंटर स्टोरेज चाहिए या रैम की स्पीड चाहिए या रैम चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए, कोई सा भी रिसोर्स चाहिए, बैंगलोर सेंटर से सेंट्रली लेना है, कल बैंगलोर में उसका सेंट्रल सिस्टम है और बैंगलोर फुल हो जाता, एट दैट टाइम आपका काम रुकता या नहीं? अंटिल और अनलेस वो रिसोर्स देता, जब तक नहीं सेंट्रल, जब तक उसका खाली नहीं होगा कैसे आपको दे देगा, दे पाएगा, होगा कि नहीं? अब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर में जहां भी रिसोर्स मिला कंपनी का कॉन्टेक्ट से रिसोर्स लाके आपको दे दिया। ये भी पॉसिबल तब है जब, बात को गंभीरता से समझना, कि हर चीज ऑनलाइन है, हर चीज क्लाउड है, हर चीज ऑन डिमांड है, हर चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है, इंटरनेट के थ्रू ही तो सारा काम कर रहे हैं अपन लोग, दूसरा माध्यम है इसमें। तो अब रिसोर्स चाहे दुनिया के किसी लोकेशन से ले लो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस आपकी इंटरनेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अब देखो इसमें जैसे कौन सा रिसोर्स अभी देख रहे थे हम लोग, EC2 डैशबोर्ड, EC2, इसमें देखिए इंस्टांस क्या है, EC मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक, इसमें जैसे आप जूम नेम ले सकते हैं, जोन आईडी ले सकते हैं, यूएसए, यूएसए कहाँ यूज करना है, यूएसई, तो इसकी कौन क्या है, EC2 आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स टू कॉमर्स, एक मिनट देख लेता हूँ, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग, क्या है इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग सर, अमेज़न इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, देखो इसमें क्या है, पढ़ो, अमेज़न इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड इज ए वेब सर्विस, क्या है ये वेब सर्विस है, दैट प्रोवाइड सिक्योर रिसाइजेबल कंप्यूट कैपेसिटी इन द क्लाउड, कंप्यूट कैपेसिटी को क्लाउड में ये प्रोवाइड करता है, कैपेसिटी इन द क्लाउड इट इज डिजाइंड, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, कहां गया, इट इज डिजाइंड टू मेक वेब स्केल क्लाउड कंप्यूटिंग इजियर फॉर डेवलपर्स, ये क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करने का काम करता है। देखो तो इससे आप लोग लिख सकते हैं इंस्टांस आपको क्या क्या चाहिए, देखो इसी टू लिखा इवेंट्स आपको क्या क्या करना है, काम इंडस्ट्री में से हम लोग यहाँ पढ़ क्या रहे हैं, ऐसे ऐसे होता है, लेकिन जब इंडस्ट्री इन्वायरमेंट होता है तो चीजें समझनी होती है। हम लोग जैसे बाइक आज सीख रहे हैं तो लोग कहेंगे यार गियर एक पीछे कर लो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, दो आगे कर लो गाड़ी तेज हो जाएगी, लेकिन जब रोड पे चलाते हैं तो हाथ वो फार्मूला काम करता है, हाँ वो थोड़ा सा चलने में काम आता है, लेकिन फिर ये दिमाग तेज चलने लगता है, कैसे क्या कैसे क्या कैसे, धीरे 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 क्या, तो रिसोर्सेज है, तो रिसोर्सेज को हमें कैसे यूज करना है, इंस्टांस, इंस्टांस मतलब क्या होता है, तुम लोग पढ़े होंगे, क्लास और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आते हैं इंस्टांस ऑफ क्लास, तो जो जो इस सॉफ्टवेयर को चलाने में इंस्टांस की जरूरत पड़ती है, जो जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट, छोटे छोटे सर्विस पैचअप, सर्विस बैचेज, सर्विस पैक्स, सबको चलाने की जरूरत पड़ती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टांस, इंस्टांस टाइप्स। देखो इंस्टांस टाइप में है, इंस्टांस टाइप में एक चीज देखो क्या क्या, इंस्टांस टाइप या इंस्टांस न्यू में देखो क्या आएगा, ऑनलाइन चल रहा है ना इसलिए लोड होने में टाइम लेता है, देखो ऊपर ध्यान देना, यू डू नॉट हैव एन इंस्टांस इन दिस रीजन, मतलब आपने कोई सा इंस्टांस आपने नहीं लिया है, यू डू नॉट है मतलब मुझे बोल रहा है ना, अब आप देखें इंस्टांस टाइप्स में देखिए, जैसे इंस्टांस टाइप है T2.nano,
सीपीयू इसमें एक यूज होता है, देखना ध्यान देना, आर्किटेक्चर ये है, मेमोरी इतना होता है, जीआईबी। अब देखना हर इंस्टांस कितना, देखो सीपीयू भी देखना, टी टू डॉट मीडियम दो सीपीयू पे चलता, टी टू डॉट लार्ज दो सीपीयू पे, टी टू डॉट एक्स लार्ज चार सीपीयू पे चलता है ये रिसोर्स, टी टू डॉट एक्स लार्ज आठ सीपीयू पे चलता है, ए वन डॉट मेटल कितना इसको चाहिए सीपीयू, ये सब चीज 16 पे, बाप रे बाप, सी फाइव डॉट नाइन एक्स लार्ज 36 सीपीयू चाहिए इसे चलने के लिए, कितना बड़ा डेटा प्रोसेस कर देता होगा सोच सकते हो। उधर फेसबुक वगैरह देखो नेटवर्क परफॉर्मेंस 10 गीगाबिट है, नेटवर्क परफॉर्मेंस कितना है देखो इधर 10 गीगाबिट 12 गीगाबिट। सर स्पीड है कि टोटल देता है इतना? नहीं नहीं टोटल कैसे देगा, नेटवर्क परफॉर्मेंस और स्टोरेज, स्टोरेज देखो कितना है, एक एक में देखो स्टोरेज आपको दिखता होगा 75 जीबी है, ऊपर दिख रहा है जीबी, 150 जीबी 300 जीबी ये मिलता है, ये हम लोग को मिलता है, 1200 जीबी स्टोरेज है, इधर ध्यान देना। तो जो बड़ी बड़ी कंपनी है, बैंक्स हैं, वो सब ऐसे ही इंस्टांस को कंप्यूटिंग करने के लिए यूज करते हैं। स्टोरेज टाइप एसएसडी, आप पीछे आओ, देखो लैम्डा, लैम्डा क्या देखें, तुम लोग सोचो इसकी जरूरत क्या पड़ेगी, जब कंपनी पहुंच जाओगे तो इसकी ही जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं बताता हूँ, जब मैं काम करता था हैदराबाद में और नोएडा में कंपनी में, तो जैसे प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, प्रोजेक्ट बहुत हैवी हो जाता है, और जैसे प्रोजेक्ट हमें यहाँ लॉन्च करना है, कंपनी ने कहा कि भाई हमें, क्लाइंट ने कहा हमें प्रोजेक्ट दिखाओ, कंपनी है इंडिया में, कह रहा प्रोजेक्ट हमें दिखाओ सऊदी अरब में चलाकर, तो हम क्लाउड तुरंत लेते हैं स्पेस क्लाउड पे, तभी दिखा पाओगे, यहां से इंटरनेट से प्रोजेक्ट कैसे चलेगा, क्लाउड से मैंने तुरंत स्टोरेज एरिया लिया कि सर आई वांट 10 जीबी, ये सॉफ्टवेयर क्लाउड के अंदर चाहिए, वहां भी सिस्टम के अंदर सब कुछ चाहिए, यहां से दिखाए वर्क किया, जैसे जूम से जुड़ते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर के थ्रू जुड़े और दिखाए चल के, देखिए इसमें टेक्स्ट बॉक्स है, ईमेल है, पासवर्ड है, सारी क्राइटेरिया फुलफिल होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आप लोग समझ गए होंगे बेसिकली कि हमें सब कुछ उपलब्ध है ऑन द क्लाउड, ऑन द रेंट, ऑनलाइन, ये कंसेप्ट आप समझो। देखो इसमें बुझाएगा, इसमें चीजें हम खरीदेंगे, देखो इसमें चीजें हम खरीद नहीं सकते, क्योंकि ठीक है मैंने ले लिया 50 जीबी, हम करेंगे क्या लेके, कोर्स तुम हैदराबाद में कुछ कोचिंग है, क्लासेज है, जब इसे कर लोगे या अगर यूडीमी पे चेक करे कुछ बताए, देखो कोई खरीद के नहीं बताएगा, कोई बताएगा वही बता सकता है आपको ढंग से ये चीजें खोल के, जिसके पास मान लीजिए जीबी ले रहा है बेच रहा है, ले रहा है बेच रहा है, लेकिन कॉलेज भी लेकर मेमोरी करेगा क्या, हमने कॉलेज है या इंस्टीट्यूट, हमने मेमोरी ले लिया स्टोरेज ले लिया कितना 100 जीबी, लेकिन हमको मान लीजिए 100 जीबी का किराया महीने का 10,000 रुपया जा रहा है, ये हम लेकर आप ऑनलाइन में अगर देख लो, नहीं तो हम बात कर लेते हैं लोगों से जो सीखे हमारे स्टूडेंट, फिर हम बता देंगे। क्योंकि तो देखो इसमें हम आपको ये बता सकते हैं कि जैसे AWS है, गूगल का भी हम बता सकते हैं, दो तीन जो वेबसाइट उपलब्ध AWS, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एजोर, लेकिन मोर और लेस सबका काम तो एक ही तरीके से होता होगा। आप गाड़ी ओला से बुक करें या उबेर से बुक करें, पर तरीका तो एक ही है। इसका कोर्स ज्यादा ज्यादा तुम लोग कर लोगे, जैसे यहाँ बच्चे ठीक हैं, एक महीने में। हाँ इसमें होता क्या है कि आपको नजर रखनी है परफॉर्मेंस मीटर पे,
कि कैसे काम होता है कैसे काम नहीं होता है। हमने सॉफ्टवेयर मान लीजिए किसी को दे दिए, जैसे यहां सपोर्ट पे आप देखिए, सर्च आया हाउ कैन AWS रिसोर्सेज में हमने मार दिया पाइथन बिल्डिंग लैम्डा फंक्शंस विद पाइथन, हमने ले लिया रिसोर्स लिया ना। तो अब देखिए you can run python code in aws lambda, lambda provides run times for python that run your code to process events, your code runs in environment that includes the stk file। ab humne kya kiya, python 3.9 le liya, identifier le liya, ye le liya, is pe chalane ke liye operating system amazon linux ka use humne kiya। ab hai aapko bata raha hai ki aap kaise banayenge function, to create a python function open the lambda console, वहां पे नेम गए माय फंक्शन डाले रोल दिए लैम्डा रोल इंटर किए और आपका फंक्शन बन गया। तो ये आपको एक तरह से क्या कहा जाए कि आपको सब कुछ प्रोवाइडर है, ये आप समझ रहे होंगे पूरी क्लास। AWS इज ए प्रोवाइडर ऑफ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ह्यूमन रिसोर्सेज। आप लोग चाहते होंगे कि इसमें हम लोग कुछ खरीदें, ठीक है, बात तो ऐसे ही है। देखो इधर अब क्वेश्चन इज जेन्युइन, मेरे स्टूडेंट तो हैं लेकिन वो कहेंगे सर खरीदेंगे तो हम कंपनी के पोर्टल पे खरीदेंगे, उनकी नौकरी ना चली जाएगी तो उससे करवा दे। तो हमने बोला कि सर मेरी जॉब जा सकती है अगर चेक हो गया ना, जैसे वो किसी के लिए खरीदा गलत तरीके से तुम लोग को दिखाने के लिए और उस परफॉर्मेंस मैट्रिक में पकड़ा गया वो, तो उसकी जॉब चली जाएगी। खरीद का आपको बता देगा ना कि मान लीजिए बुक किया 100 GB 10 मिनट के लिए ही। अच्छा क्लाउड कंप्यूटिंग सीखेंगे, कोचिंग थोड़ा सा ले लो अभी ऑनलाइन ले लो। ऐसे देखो जैसे आप AWS पे ही प्रोडक्ट्स पे आए, नहीं समझ गया तुम चाहते हो कि जैसे डीलिंग होती है कैसे डीलिंग हम करते हैं, हाउ वी आर मेकिंग द क्लाइंट रिक्वेस्ट, हाउ वी प्रोसेस द क्लाइंट रिस्पॉन्स, ये चीज है ना। yes, क्लाइंट ने हमें मेल किया कि आई नीड 100 GB स्पेस, आई नीड 5 GB रैम, आई नीड 10 GB हार्ड डिस्क, उसको हम कैसे प्रोसेस करके उसको देंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने बनाया तो यहाँ तो केवल हम यही सीख सकते हैं, प्रोसेस करने के लिए तो इंडस्ट्री का छोटा मोटा रूप तो चाहिए ही। जैसे हम लोग जावा का कोड बना सकते हैं, पाइथन का कोड हम बनवा सकते हैं आराम से, तो उसमें है कि हम खुद से बना के उसको कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो इंडस्ट्री की जरूरत थोड़ी बहुत तो है ही। अब देखो आप आए इधर आओ, AWS मैनेजमेंट कंसोल पे आप लोग हैं। अब यहाँ कॉन्टेक्ट अस में आप आइए, ये सब्सक्राइबर सपोर्ट टेक्निकल सपोर्ट के लिए यहाँ पर आइए, बिलिंग और अकाउंट, जैसे ये फ्री अकाउंट हम लोग जो यूज किए हैं तो बिलिंग करने के लिए काम आ सकता है। अब आ जाओ प्रोडक्ट पे, देखो प्रोडक्ट में आप लोग अभी तक पढ़े एनालिटिक्स समझते हो, क्या होता है एनालिटिक्स? नहीं, आप लोगों ने पढ़ा होगा एनालॉग कंप्यूटर, नहीं पढ़े हो? देखो क्लाउड कंप्यूटिंग इसे लोग सीख लेते हैं बीटेक एमटेक करके, जब जॉब प्रोसेस पे आते उस समय सीखा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग का सिलेबस डाला गया है। ये सीखा कब जाता है, जब आप जॉब प्रोसेस पे आने पे होते हैं तब। ये हॉट कैक है, आज के डेट में मार्केट का हॉट कैक ब्रांच है AWS, मतलब AWS अगर आपको आता है कैसे करना है क्या करना है तो आपको जॉब मिलने में बहुत आसानी होगी। तो कम से कम आप लोग थ्योरी समझ लो,
कैसे क्या करते हैं, ये तो आप इंटरव्यू में कल कोई पूछेगा तो आप बता सकते हो कि हम उसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, हम लोग उसमें बनते हैं कि एक्टिव यूजर बनते हैं, लॉगिन करते हैं, पासवर्ड करते हैं, ये बता सकते कि नहीं आप लोग, कि नहीं बताओगे? सर्टिफिकेट तो आप ले लो ना, तो पटना में कहीं होता है कि नहीं? दिल्ली में तो होता था, मैंने देखा है। भाई ऑनलाइन एक चीज सामना सामने सीखना, ये सब चीज जॉब ओरिएंटेड होने जा रहा है, इसमें खेल मत करना। ये सीख लोगे तो तुम्हें नौकरी अपने दम पे मिल जाएगी, किसी के भरोसे की जरूरत नहीं है। तो चीजें जब अपने हाथ में हो तो वो ज्यादा अच्छा से करना चाहिए। बहुत टफ नहीं, जैसे हम गए यहाँ क्या, यही वेब एप्लीकेशन आपको चलाना है, समझ जाओ, इसी वेब एप्लीकेशन के थ्रू आपको चलाना है और जॉब करना है। अब देखिए, फीचर्ड सर्विस एनालिटिक्स, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन जावा का बहुत बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। बिजनेस एप्लीकेशन, बिजनेस एप्लीकेशन जो होता, जैसे टैबल्यू, टैबल्यू का नाम सुने हो? उसमें क्या करते, ग्राफ्स बनाते, बिजनेस ग्राफ्स बनाते ओरेकल का यूज करके। डिमांड बहुत ज्यादा, सीखने में 3 महीना, कितना टाइम, और जॉब बीसीए करने के बाद जॉब ही जॉब है। हम लोग को कोई समय बताया नहीं जिसमें पढ़े नहीं, तो हम लोग भी कहाँ होते आज, आज होते 30-40-50 लाख के पैकेज पे होते। उस समय हम लोग के समय में टीचर भी ऐसा नहीं था। तुम लोग को लक्की बच्चे हो कि सब कुछ तुम लोग के सामने है, सारे बच्चे जो यहाँ हैं वो लक्की तो है ही कि उनको कम से कम कुछ नहीं टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ मालूम तो है। हम लोग को वो समय पता चलता था, हम लोग को सी समझ में नहीं आती थी, टीचर कहते थे लैंग्वेज है, हम यार क्या है, नहीं है, समझ ही नहीं है। सी समझते समझते बीसी गुजर गया, तब समझा दिया ये तो लैंग्वेज है, क्योंकि टीचर उस जमाने में नहीं थे, और टीचर होते तो हम लोग आज यूएसए यूके में बैठ के पैसा छाप रहे होते। उस समय क्लाउड था लेकिन मिनिमम लेवल पे था, हम लोग को बताया नहीं गया, बता दिया गया होता तो हम यहाँ तो चीजें आसान है। इसमें करना क्या, इसमें क्या कि आपके रिक्वेस्ट आया तो उसको प्रोसेस करके क्लाइंट को दे देना है, आपका रिक्वेस्ट आया प्रोसेस करके क्लाइंट को दे देना है, और परफॉर्मेंस मीटर से चेक करते रहना कि क्लाइंट का हुआ। अब देखिए एनालिटिक्स में क्या क्या दिखता है, देखिए एनालिटिक्स क्या होता, एनालिटिक्स का मतलब मैं आपको समझाता हूं कि कोविड में ड्यू टू कोविड कितने एज के लोगों की जान ज्यादा गई, क्या वो किसी बीमारी से इफेक्टेड थे नहीं थे, उसका डेटा एनालिसिस करना, उसका डेटा एनालिसिस करना, दैट इज डेटा एनालिटिक्स, जो पाइथन के थ्रू बड़ा मजेदार तरीके से होता है। देखो तुम लोग सेटिस्फाइड हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो इस पेपर में, क्या लग रहा है? इसमें ये भी नहीं सीखे कि क्लाउड कंप्यूटिंग में हम काम लोग ऑनलाइन करते हैं, ऑन डिमांड करते हैं, ऑन रिक्वायरमेंट करते हैं, ये सीखे। फिर AWS के थ्रू हम करते हैं या गूगल क्लाउड के, उस पर जाके हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही सारा बिजनेस प्रोसेस हम करते हैं। करते कैसे, हम कैसे मेमोरी ले लें बताओ? हमने एक स्टूडेंट को बोला जो कर रहा है, सर मेरी जॉब चल जाएगी, जैसा बात इधर उधर हो जाएगी तो हम पासवर्ड दे देते कंपनी का करने के लिए। वो कह रहा है कि आप 2 मिनट में कर लीजिए, लेकिन 2-3 मिनट में अगर परफॉर्मेंस मीटर में मेरा नाम आ गया, क्योंकि जिसके पासवर्ड से होता है उसका नाम डेस्क पे आ जाता है, उससे मान लीजिए अगर कोई पूछ दिया मैनेजर गलती से भी कि सर आपने मेमोरी किसको दी 10 मिनट के लिए, तो क्या जवाब देगा? नहीं समझ में मेरी मजबूरी। वो कहा सर हम दे देंगे, लेकिन अगर मेमोरी या स्टोरेज किसी को दी और बात लीक कर गई
उसकी नौकरी यही कि यहाँ तो आपको बस जैसे ऑनलाइन आप अमेजोन पे क्या करते हो, ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करते हो कि नहीं, फ्लिपकार्ट पे क्या करते हो, ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज आप करते हो, नॉट मोर देन दैट, उससे ज्यादा क्या होता है। तो इसमें भी आप कंपनी जैसे आप फ्लिपकार्ट पे यूज करना चाहते हो कार्ड, तो पूरा इंफॉर्मेशन डालते हो कि नहीं, है तब आपके घर पे पहुंचता है वो प्रोडक्ट। इसमें सेम चीज है, बस वहां प्रोडक्ट है, यहाँ सर्विसेज है, वहां सामान आ रही है, यहाँ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ह्यूमन रिसोर्सेज नेटवर्क ये हो रहा है, और अंतर नहीं है। आपको क्या लगता है जो कंपनियां फ्लिपकार्ट है ऑनलाइन है इसमें क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम नहीं करते? बहुत ज्यादा इंजीनियर काम करते हैं, जो आपका प्रोडक्ट टाइम पे पहुंच रहा है, आपके मोबाइल पे मैसेजेज आ रहा है, आपके मोबाइल पे आईडी आ रही है, आपके मोबाइल पे ट्रैकिंग सिस्टम आ रहा है, क्या कितने इंजीनियर काम करते हैं इन कंपनियों? स्नैपडील में मेरा भाई काम करता था, यही काम, मतलब ट्रैकिंग करना, ट्रैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट। पैसा आज से 7 साल पहले 70,000 रुपया मिलता था, कोरोना में काम उसका गड़बड़ा गया। तो आपका सब कुछ को ट्रैक करना है, सब कुछ को ट्रैक करना है। अब आप देखिए जैसे प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट है आपके पास, कितने प्रोडक्ट हैं? तो देखिए डेटाबेस में, आप डेटाबेस तो समझते होंगे, डेटाबेस में आप आते हैं, डेटाबेस में, अरे भाई कहाँ चला गया डेटाबेस, डेटाबेस में आए, डेटाबेस में आए, तो इसमें आया कौन सा है, अमेज़न ऑरोरा डेटाबेस, अमेज़न ऑरोरा हाई परफॉर्मेंस मैनेज रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल समझते हो? यस सर। क्या बताऊं? क्या बस इतना ही, रिलेशनल का मीनिंग इतना बड़ा है कि ईएफ कोड ने किताब लिख दी। तुमने कहा कि टेबल के फॉर्मेट डेटा, रिलेशनल का मतलब देयर हैज रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स इन द कंडीशन ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की, प्राइमरी की और फॉरेन की के आधार पर रिलेशनशिप जनरेट होता है। ऐसा नहीं कि केवल डेटा अगर टेबल का फॉर्मेट डाल दिए, ठीक है डाल दिए, तो दैट इज नॉट कॉल्ड रिलेशनल। रिलेशनल इज अ बिग मीनिंग, ईएफ कोड ने 113 रूल लिखा है इसके लिए, रिलेशनल के लिए ईएफ कोड है रिटेन 113 रूल्स। आप कहे कि टेबलर फॉर्म नहीं है, रिलेशन है, और रिलेशन हम अप टू 32 टेबल तक बना सकते हैं यूजिंग ज्वाइन, ये याद रखना। तो अमेज़न ऑरोरा जो डेटाबेस है वो रिलेशनल डेटाबेस है, इसी में है अमेज़न ऑरोरा सर्वरलेस V2। इसमें इस डेटाबेस का देखो क्या है, क्या है? देखो इस डेटाबेस की खूबी, सौ है, आगे कौन बेच, इकाई दाई सैकड़ा हजार से 1 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकंड, आपको दिख रहा है ना? गाजर तुम कम खाते हो इसका मतलब, नहीं सही कह रहे हैं, हमारा भी आंख बीक हो रहा है इसलिए बोल रहा है। तो 1 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकंड, तो ये जानो कि अगर हम लोग बड़े ट्रांजेक्शन करेंगे, फेसबुक वगैरह ही सब यूज करता है अमेज़न ऑरोरा सर्वरलेस, फेसबुक गूगल जीमेल, क्योंकि वहां तो 1 लाख ट्रांजेक्शन फेसबुक में, ये लाइक किया तो आप भी लाइक किए, आप लाइक किए एक एक मिनट में लाइक होना शुरू हो गया। अब आइए, अब डेटाबेस है अमेज़न, जो चीज समझ में आती है डेटाबेस आप लोगों को समझ में आती है इसलिए बता रहा हूं, अमेज़न डॉक्यूमेंट डीबी विथ मोंगो डीबी कंपेटिबिलिटी। मोंगो डीबी का नाम सुना है? क्या है बताओ, किस प्रकार का, रिलेशनल नॉन रिलेशनल स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड, चार ऑप्शन तुम्हारे पास दे दिए हम, पूरी क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन सबको पूछ रहा हूं मैं।
MongoDB is an unstructured database. MongoDB is a unstructured database. समझ गए? MongoDB किस प्रकार का database है? Unstructured. Unstructured का मतलब तुम समझा? Unstructured database में क्या होगा? अब बताओ. Technical पढ़ाई पढ़ें. Unstructured database और structured database में क्या अंतर है? ऑनलाइन ऑफलाइन मैं पूरी क्लास से पूछ रहा हूँ. किसमें सर? बिना फॉर्मेट का जो होगा वो अनस्ट्रक्चर्ड होगा. स्ट्रक्चर्ड मतलब सर अनस्ट्रक्चर्ड मतलब सर जहाँ पे सर लार्ज डाटा भी काम होता है सर. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. कौन बोला? विवेक. विवेक यस सर. वेरी गुड. हाँ अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब जहाँ इमेजेज है, जहाँ ग्राफिक्स है, जहाँ बिग डेटा है, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है, रो कॉलम में नहीं है, टपल में नहीं है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं है, वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं है, वो क्या हो गया? अनस्ट्रक्चर्ड. वैल्यूड मल्टी वैल्यूड ये सब पता है कि ये भी आगे पढ़ोगे यार? अभी क्यों, अभी सब बता देंगे, अभी बता देंगे तो दिमाग, अभी एग्जाम इसके बाद बातें होगी. अब है अमेज़न डायनेमो डीबी. सुन लो इधर. हाँ हीरो कहाँ बिजी है वो? बाद में कर लेना भाई, बीसीए पूरा हुआ भी नहीं कि लग गए. अमेज़न डायनेमो डीबी डायनो नो एसक्यूएल डेटाबेस. नो एसक्यूएल क्या है? डेटाबेस का तुम ऑनलाइन ऑफलाइन तुम लोग पांच डेटाबेस का नाम बताओ. ठीक है ओरेकल, एक एक करके मैं भी कंफ्यूज कर जाऊंगा. ओरेकल, वेरी गुड वेरी गुड. कौन? एसक्यूएल. वेरी गुड. एमएस एक्सेल. एमएस एक्सेल नहीं यार. नो नो नो. एमएस एक्सेल इज ए ऑफिस, दैट इज ए ऑफिस पैकेज. तुम लोग बेसिक चीजों पे थोड़ा ध्यान दो, कंफ्यूज कर रहे हो. अच्छी चीजें बता गए, बेसिक में गलती कर गए. एमएस एक्सेल इज ए ऑफिस पैकेज, वो डेटाबेस नहीं. इतना ब्लंडर मिस्टेक मत कर देना भविष्य में. हाँ पीएचपी. पीएचपी डेटाबेस नहीं है. पीएचपी बैकएंड सर्वर है सर. कौन सा? बैकएंड. बैकएंड बैकएंड ची. हाँ तुम अब सही बोले. पीएचपी बैकएंड है लेकिन बट दैट इज नॉट डेटाबेस. बैकएंड में भी डेटाबेसेज भी है, लैंग्वेजेज भी है. ठीक है तुम लोग की टेक्निकल क्लास हमें ही लेनी पड़ेगी आगे लगता है कभी. तो इसमें ही हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ कि AWS में क्या है? सब कुछ सर्विस है और सर्विस सब कुछ है, उसको ऑनलाइन लेना है. जैसे लंच बोल देंगे गुप्ता जी को, पांच मिनट आराम से नाश्ता कर लीजिएगा. ये कहे कि सब कुछ ऑनलाइन है, ऑन डिमांड है और आपको एक चैनल के थ्रू जाना है. जैसे फ्लिपकार्ट चैनल है ऑनलाइन के लिए, और कौन कौन सा है बताओ? अमेजोन खुद है, वहां भी घुसा पड़ा है अमेजोन, वहां भी इंट्री ले लिया है. नहीं दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट कौन प्लेयर है इसमें ऑनलाइन में? अमेजोन सर. अमेजोन है सर. अमेजोन है भाई, अजियो वेजियो नहीं है. ठीक है हम सर्च करेंगे, सर्च करेंगे हम ढंग से नहीं करेंगे, तुरंत करके नहीं बताएंगे. एक लड़का ने अच्छा भेजा लेकिन, प्रशांत कुमार ने अच्छा डेटाबेस का नाम बताया. और कल MS SQL गलती कर गया लेकिन
ओरियंट डीबी बताया, बहुत अच्छा डेटाबेस बताया इसने। या तो गूगल से नेट मार दिया सर्च, बच्चा तो खिलाड़ी होता है, लेकिन किया तो कोशिश तो किया यार, एटलीस्ट रेस्पेक्ट हिज। सो साइन आउट करें पहले मुझसे। साइन आउट कैसे होंगे भाई इसमें? बंद ही कर देते हैं। इसको करना तुम लोग कर लेना, बीसीए थर्ड ईयर में आते आते कर लेना, या हो सकता हम लोग को तब तक अगर ये ऑर्डर हो जाए यहाँ कुछ रिसोर्स खरीदने का तो वो भी हो जाए, फिर तो यहाँ भी हो जाएगा क्या, फिर हम लोग को उसमें परमिशन आ जाएगा कि आप रिसोर्सेज खरीद के ले सकते हैं अपने कॉलेज के लिए, तब तो बेस्ट हो जाएगा, तो टेंशन ही खत्म, बच्चे ही सीख जाएंगे फिर। लेकिन वो अभी कब तक होगा देखो, सर से चर्चा कर देंगे तो कम से कम 2 महीने में चीज आ जाएगी, नहीं आप लोग को नेक्स्ट सेमेस्टर में या उसके लिए मदद मिल जाएगी। ऑनलाइन स्टूडेंट पहले अटेंडेंस बना रहा हूँ, भागना मत, बताऊं? नहीं, 9 बच्चे ऑनलाइन में हैं। तारीख कितनी आज? 11 बज गया, मैं सोच रहा हूँ 10 बजा है। मैं मेरा भी एक ड्रीम है AWS मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग में काम करने का, पता नहीं भगवान कब पूरा करेगा ड्रीम। तुम लोग ऑनलाइन पता करना तो मुझे भी बताना कैसे। वो सीख लेगा, हमें सिखा देगा भाई, वो रिसोर्स यूज करके आपको दिखाएगा लेगा कि नहीं, वो रिसोर्स दिखाएगा, देखो मैंने हार्ड डिस्क खरीदा, यहाँ किया, वहाँ किया, तो सबका रेंट है ना, जब चीजें रेंट पे आ जाएगी तब तो पेमेंट तो होगा कि नहीं। हमको भी बता देना, समझे, हॉट केक बना हुआ है मार्केट का AWS अभी, हॉट केक। मैं अटेंडेंस ले रहा हूं, घबराना मत तुम लोग। 3 5 7 17 पहले इनका ले लूं फिर आपका ले लूंगा। 3 5 7 17 10 बार बोलेगा हाँ सर, नहीं सर, हमें भुकाएगा। 3 5 7 2 मिनट का काम है। तुम्हारी क्लास लेने में है कि बड़ा इंसानियत वाली क्लास है। 28 35 36 37 14 35 36 37 37 ठीक है, तुम लोग कोई करना तो हमें बताना। हाँ क्लास में 1 से 10 बबलू कुमार, नित्यानंद कौन है, चेहरा दिखाओ, मुझे चेहरा नहीं पहचानते तुम्हारे, बबलू का हम पहचानते हैं ढंग से। रोल नंबर 2 ठीक है, और 10 तक कोई और बच्चा है? आपका नाम क्या है? मनीष शंकर। विक्रम कौन है? आप हैं। जब तक क्लास सेकंड ईयर में नहीं पहुंचूंगा मैं तो। सेकंड ईयर में कौन कौन सब्जेक्ट है आपका? डाटा स्ट्रक्चर है सर, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, और सर सी प्लस प्लस है। अभी तो फर्स्ट ईयर का है, सेकंड ईयर पहुंच ही जाओ।
बस तीन ही नहीं होगा, पांच छह पांच साल नाइन के बाद। खुशबू कुमारी रेगुलर स्टूडेंट एंड पंक्चुअल स्टूडेंट। आगे कितना 18 और 22 और हो गया मेरा इच्छा डेटाबेस पढ़ाने का आप लोगों को, है कि नहीं सेकंड ईयर में पता नहीं। डेटाबेस में मैंने काम किया है 6-7 साल कंपनी के अंदर। आईटी का सिलेबस समाप्त हो गया है, टेक्नोलॉजी से लगता पढ़ना है क्या सर? समाप्त हो गया सर, रिवीजन करा दीजिए पार्ट में। इसका कब तक खत चलाएं? कोई ना सर बोल रहे हैं इसे चलाने से नेक्स्ट वीक कर दे शुरू। यस सर, आज थर्सडे सैटरडे नेक्स्ट वीक। यस सर, यस सर। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑल द स्टूडेंट्स ऑनलाइन। थैंक यू सर, थैंक यू एंड ऑफलाइन बोथ। टेक केयर।